मैं ऐसा कह सकता हूं कि आज सदन की गरिमा तार तार हो गई और जिस तरीके से हमारे एक सदस्य का निलंबन किया गया, मैं समझता हूं कि ऐसे पिछले 20-25 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सदस्य अपने अपनी सीट पे खड़ा हो और ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो अपनी सीट से कोई भी बात जो वो कहना चाहता है वो कह सके। आज जब हमारे नेता प्रतिपक्ष ने आवाज उठाई और एक मुद्दा रखा और कानून मंत्री से जवाब मांगा, कानून मंत्री सदन में नहीं थे, और जब हमने इसके जवाब के लिए सरकार पे प्रेशर बनाया और नारेबाजी हो रही थी, ये बात हुई अध्यक्ष महोदय से कि इसमें जवाब आना चाहिए और अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था के लिए कल पे टाल दिया। हमने उनकी दो बार बात मान करके हम अपनी सीटों पे गए, लेकिन बात अल्टीमेटली यही हुई कि उन्होंने कहा कि हम कल जवाब देंगे और हमारा रिक्वेस्ट सदन से ये थी कि मामला ऐसा है जिसका जवाब आज ही आना चाहिए क्योंकि आचार संहिता से जुड़ा मसला है। मंत्री अपने परिवार में कोई लाभ किसी को नहीं दे सकते हैं, तो इस तरह की बात पे चर्चा होनी चाहिए और उसका जवाब सरकार से आना चाहिए। सरकार से जवाब आने की बजाय विधानसभा में जो बीजेपी के कुछ लोग हीरालाल सारण वगैरह, वो अपनी सीट से उठ करके और ललकारते हुए सदन में आ गए। उस पर हमारे सदस्य ने अपनी सीट से खड़े होकर के कहा कि आप इनको नहीं देख रहे हो, इधर से श्रीचंद जी कृपलानी उठ करके आ गए, और इसी दरमियान उन्होंने एक निलंबन का प्रस्ताव दिया जिसमें आनन फानन में गुस्से में अध्यक्ष महोदय ने सदस्य को निलंबन कर दिया, जो हमें ऐसा लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ऐसा हमारी गरिमा ऐसी नहीं है। और इस छोटी सी बात के लिए अगर उनका निलंबन होता है तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। हमने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि हम विधानसभा में ही रहेंगे और हम हमारे सदस्य को विधानसभा से बाहर नहीं जाने देंगे सदस्य के साथ। आज पूरे साथी हम विधानसभा के अंदर रुकेंगे और यहीं रुकेंगे, बिल्कुल रात भर यहीं रुकेंगे। इस पे अगर सरकार हमसे कोई चर्चा करती है, कोई बात करती है, निलंबन वापस लेती है, तो हमारे नेता विचार करेंगे, नहीं तो हम रात भर यहीं रुकेंगे, कल भी रुकेंगे, और जब तक इसका डिसीजन नहीं हो जाता तब तक हम विधानसभा में ही रहेंगे, विधानसभा से नहीं। देखो, जिस प्रकार सरकार के अंदर सदन में अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो एक पक्षीय कार्रवाई की गई, हमारे साथी विधायक मुकेश जी भाकर को निलंबित किया गया, वो एक निंदनीय है, क्योंकि बात हो रही थी जिस प्रकार कानून मंत्री के सुपुत्र को बिना योग्यता के डबल एजी बनाया गया। सरकार आम जनता के हितों के लिए मनती है, लेकिन सदन के अध्यक्ष जवाब सरकार से दिलवाने की बजाय सदन के विपक्ष के एक विधायक को निलंबित करना, इसकी हम सब लोग निंदा करते हैं। जिस जनता ने, राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने सरकार को आम जन के हित के लिए चुना है, ना कि नेता के सुपुत्रों के हित के लिए चुना है। भाजपा की जो परिपाटी थी, भाजपा के नेता जो कहते थे कि हमें आम जनता के बीच में हम काम करेंगे, लेकिन आप देख रहे हो जिस प्रकार अपने ही मंत्री के सुपुत्र को डबल एजी बनाया जा रहा है और एक विपक्ष पर एक पक्षीय कार्रवाई सदन के अध्यक्ष जी के द्वारा की जा रही है, इसकी हम सब लोग निंदा करते हैं। लगातार जब तक नेता प्रतिपक्ष जी का कोई आदेश नहीं आ जाता, निलंबन वापिस नहीं होता, हम सदन के अंदर बैठेंगे। सदन को राजस्थान की तमाम 8 करोड़ की जनता देख रही है कि भाजपा सरकार किस प्रकार कुठाराघात इस राजस्थान की जनता के साथ कर रही है। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। नहीं हुआ है, इस तरह से कई बार गतिरोध हुआ है, लेकिन कभी भी इस तरह का गतिरोध नहीं हुआ कि कोई गतिरोध है तो उसको बुला करके बात करे, उसका निपटारा करे। और सिर्फ प्रश्न इतना सा था कि प्रतिपक्ष ने कोई मुद्दा उठाया उसपे व्यवस्था देने के लिए वो कल का समय दे सकते थे, लेकिन कल का समय देने के बजाय स्थिति ऐसी बना दी कि सदन में गतिरोध हुआ। जो कुछ भी हुआ वो कोई बहुत अच्छा नहीं कह सकता अभी से, और ऐसी परंपराएं भी नहीं रही है सदन में। ऐसी कई बार ऐसे गतिरोध हुए हैं, लेकिन हमेशा ये हुआ है कि सदन के जो संरक्षक होते हैं अध्यक्ष महोदय, वो उन्हें बुला करके उनका समाधान निकालते हैं। इस वक्त परंपरा ये पहले भी रही है, ऐसी परंपराएं को पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं कि भाई प्रतिपक्ष ने कोई इश्यू उठाया और उन्होंने जो है वेल में आकर के हल्ला गुल्ला किया, हमेशा होता रहता है, लेकिन परंपरा ये रही है कि अध्यक्ष बुला करके उसका गतिरोध इसको समाप्त करे।
आप आगे आ जाओ, ये देखिए आगे आ जाइए, उधर उधर ये चूड़ियां है, ये सदन में, सदन में ये हो रहा है महिलाओं के साथ, एक विधायक के साथ, फिर पब्लिक में क्या हो रहा होगा, महिलाएं आम जनता में क्या हो रहा होगा, कौन सुनवाई करेगा? सदन में ये हाल मतलब महिलाओं को धक्का मुक्की कर रहे हैं, पुलिस कर्मी तो सदन में तो बाहर तो कोई सुरक्षित रह नहीं सकती। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराया जाए और सुरक्षित रहने के लिए उनका आप सबके निवेदन से चोट भी आई हुई है मेरी भी काफी सारी, मैं काफी उन्होंने मुझे खत्म करा, हमारे और भी गिर गए थे लोग, मैं स्पीकर साहब से मैं यही कहूंगी जब आप सदन में ये है तो बाहर महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी, तो आप सबसे निवेदन यही है कि महिलाओं से आप पुलिस कर्मियों से यही कहें कि भाई महिला सुरक्षित